हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को देख रहे थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन ने देखे थे, तो यहाँ आप उस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आपके जो डाउट्स हो वो चैप्टर से करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना जो न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ से आगे अब अपनी सेकेंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना जो सॉलिड होता है, अच्छा, इसके अंदर अपन को बेसिकली तो क्या है, इलास्टिक बिहेवियर देखना है सॉलिड्स का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या आएगा, उसका इलास्टिक बिहेवियर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड्स का स्ट्रक्चर स्टडी करूँ, है ना, सॉलिड्स के बारे में अगर ब्रीफ स्टडी करना चाहूँ कि भाई सॉलिड्स होते कैसे हैं, बने कैसे होते हैं, और क्या उन पर प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर जनरेट होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं। तो अगर मैं एट सॉलिड्स की बात करूँ, तो अपन को पता है कि हर एक जो चीज़ है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने पास है वो भी किससे बना हुआ होगा, एटम से या मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। वो एटम या मॉलिक्यूल जब उस सॉलिड को बना रहे हैं, वो एक सिस्टम है, सिस्टम है, तो वो एटम या मॉलिक्यूल किसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स उनके बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, ये उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को वहाँ बाइंड करके रखता है उनकी स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है। अब इस एटम के अगर स्ट्रक्चर को, इस सॉलिड के स्ट्रक्चर को अगर अपन समझना चाहें, तो एक स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखें, लाइट मेरे पास एक स्प्रिंग्स और बॉल से बना हुआ मॉडल है, है ना। उसके अंदर ये कुछ तो बॉल्स हैं, फर्स्ट एक बॉल है इधर, ठीक है, एक इधर है, ये ये बॉल्स जो है ये कुछ स्प्रिंग्स के साथ अटैच है, ठीक है। कुछ इस तरह का एक क्यूबिकल फॉर्मूला है मेरे पास, ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बिल्कुल सॉलिड को आप इसी तरह मानिए, ये अपने सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स उनको बाइंड करने के लिए लग रहा है, उनको आप स्प्रिंग मानिए, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या कर रही हैं, इन बॉल्स को आपस में बाइंड करके रख रही हैं। लेकिन मान लो मैं किसी भी एक बॉल को यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है, किसी भी बॉल को अपनी पोजीशन से, भाई अभी तो एक इसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, नेट फोर्स सब पे क्या है, जीरो है,
अगर मैं किसी बॉल को अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूँ, ऐसे खींच के छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? तो इस वजह से कुछ इस प्रकार ऐसा एक जो एटम है या एक जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने चारों तरफ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होता है, ठीक है भाई। एक ही बीच में होगा तो इसके पीछे भी होगा, इसके राइट भी होगा, इसके लेफ्ट भी होगा, इसके आगे भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा, सब तरफ क्या होंगे, एटम्स होंगे इसके। अब मान लो मैं इसको किसी भी एक साइड पकड़ के और खींच के छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा कि कुछ जो स्प्रिंग्स हैं उनकी अंदर तो एक्सटेंशन होगा, खींचूंगा है ना, सामने की तरफ खींच रहा हूँ तो इधर जो मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटेगी तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगा, और स्प्रिंग के अंदर जब अपन एक्सटेंशन या कंप्रेशन करते हैं तो क्या करती हैं वो स्प्रिंग्स, अपने को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब अपन ये फोर्स जो बाहर से मैंने लगाया इसको रिमूव कर देते हैं तो वापस जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है ना ये स्प्रिंग बॉल मॉडल का, ये बिल्कुल किसके बिहेवियर के इक्वल है, सॉलिड्स के बिहेवियर के इक्वल है, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो भी बिहेवियर अपन देख रहे हैं इस बिहेवियर में कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स यूज आएंगी, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो वो टर्म्स क्या है पहले अपन उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन इसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें वो प्रॉपर्टी की विच इज़ इलास्टिसिटी। तो क्या होता है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को कंटेन करने वाले मटीरियल विच आर कॉल्ड इलास्टिक मटीरियल्स वो क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया जिससे मैंने क्या किया, उस बॉल को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी से पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, डीफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई एटम या मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जिसकी वजह से हाँ वो जो इक्विलिब्रियम में एटम है उसी की वजह से जो सॉलिड है उसकी शेप मेंटेन है ना भाई, उसकी जो भी फिक्स शेप है वो किसकी वजह से है, क्यों, क्योंकि उसके एटम्स किसी फिक्स कॉन्फिगरेशन में हैं, ठीक है। अब वो कॉन्फिगरेशन चेंज करने के लिए अपन क्या करें, बाहर से कोई फोर्स लगाए, बाहर से फोर्स लगाए कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो फोर्स अपन ने लगाया उससे बॉडी क्या हो गई, डीफॉर्म हो गई, पहले फॉर्म में थी, एक स्पेसिफिक फॉर्म थी उसकी, फोर्स लगाया तो कॉन्फिगरेशन या शेप उसकी बिगड़ गई, डीफॉर्म हो गई। तो बॉडी को डीफॉर्म करने के लिए जो फोर्स अपन लगाते हैं बाहर से लगाएंगे, उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। तो डीफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो जो भी फोर्स क्या करते हैं, कॉन्फिगरेशन में चेंज कर दे बॉडी के, उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब वो लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, शेप में हो सकता है, कॉन्फिगरेशन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेंथ में भी चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, ठीक है। जिससे भी कॉन्फिगरेशन बन रही है वो कॉन्फिगरेशन उसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये बाहर से अपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स है। अपन बात कर रहे थे किसकी, इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या है, अब हम ये कह रहे थे कि भाई स्प्रिंग बॉल मॉडल है, स्प्रिंग बॉल मॉडल में क्या हो रहा है कि स्प्रिंग्स क्या कर रही हैं, अपन ने उस बॉल को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग या तो कंप्रेस हुई या फिर एक्सटेंड हुई, एक्सटेंशन आया उसके अंदर। तो वो जो स्प्रिंग है वो अपने को क्या कर रही है, वापस खींच रही है, इनिशियल पोजिशन में वापस ले जा रही है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी की, आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डीफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही आपने रिमूव किया, रिमूव करते ही तुरंत उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम बॉडी क्या कर ले, अपनी इनिशियल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर ले, ठीक है, कंप्लीटली करे और इमीडिएटली करे, एक तो तुरंत करे और एक पूरी तरीके से कर ले, बिल्कुल उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि आपने स्प्रिंग वॉल मॉडल को डिस्कस कर रहे थे अपन, आपने स्प्रिंग को खींच दिया और स्प्रिंग उसी पोजीशन में रह जाए, ठीक है। तो कम्प्लीटली क्या करनी चाहिए, रीगेन करनी चाहिए, इमीडिएट रीगेन करनी चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी तो क्या हो गई, इट इज द प्रॉपर्टी
कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर ले, अपनी इनिशियल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर ले इमीडिएटली और कंप्लीटली, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी रीगेन्स इट्स इनिशियल कॉन्फिगरेशन इमीडिएटली इनकम्प्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो इलास्टिसिटी है ये तो हर एक मटीरियल के अंदर हो सकती है ना। अब कंपल्सरी नहीं है कि वो कंप्लीटली करे, है ना। कोई मटेरियल के अंदर किसी एक्सटेंट तक हो सकती है, कोई मटेरियल लेस इलास्टिक हो सकता है, कोई मटेरियल मोस्ट मोर इलास्टिक हो सकता है। हो इलास्टिसिटी हर एक मटेरियल के अंदर सकती है ना। हो सकता है कोई मटेरियल वापस जो रीगेन कर रहा है वो एक 10% कर रहा है, कोई 20% कर रहा है, कोई 100% कर रहा है। तो जो 100% कर रहा है वो क्या हो गया, वो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल के बारे में अगर बात करें तो भाई जिनके अंदर इलास्टिसिटी हो की परफेक्टली, वो क्या हो गई, वो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल हो गए भाई। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल मतलब परफेक्ट इलास्टिसिटी मतलब तुरंत कर ली और कंप्लीट कर ली, मतलब 100% इलास्टिसिटी जो रखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। मतलब ऐसा मटेरियल आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने उसको खींचा, कॉन्फिगरेशन चेंज हुई, मान लो लेंथ चेंज हुई है ना, छोड़ दिया तो तुरंत उसी लेंथ पे पहुंच जाए पुरानी वाली पे इमीडिएटली, और कम्प्लीटली 100% क्या हो जाए, वापस उसी शेप में चली जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है बॉडी बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या है, इस नेचर के अंदर परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, तो बॉडी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि भाई एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट तक इलास्टिक हो सकती है बॉडी, ठीक है। किसी में 50% रीगेन कर ले, 60% कर ले, 70% कर ले, ठीक है, 90% कर ले, 100% नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ एक बॉडीज़ हैं जिनको नियरली परफेक्टली इलास्टिक बोला जा सकता है, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, क्रिस्टल होता है एक टाइप का, ठीक है, या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज हो गया, फॉस्फर ब्रॉन्ज हो गया, अलॉय है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। 100% इनके अंदर भी नहीं होता, लेकिन नियरली 100% के आसपास ही इनके अंदर क्या होता है, ये अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इलास्टिसिटी अगर नहीं होगी तो प्लास्टिसिटी होगी, है ना। प्लास्टिक वर्ड तो अपन ने बहुत सुना है, ठीक है, डेली सुनते हैं लाइफ में। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि भाई आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया, रिमूव कर लिया, आपने डिफॉर्म कर दिया बॉडी को, कॉन्फिगरेशन चेंज कर दी, लेकिन वो वापस अपनी इनिशियल कॉन्फिगरेशन को अटेन ना करे, मतलब जैसे छोड़ा वैसे ही रह जाए, ठीक है, जैसे मड हो गई, ठीक है, जैसा शेप दे देंगे वही वही रह जाएगी, पुट्टी हो गई जैसा शेप दे दिया वही रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, परफेक्टली तो कोई भी नहीं हो सकती, इनमें भी ऐसा नहीं है कि जो शेप आप दे देते हैं परफेक्ट वही शेप रह जाती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी तो हर एक मटेरियल के अंदर नहीं मिल सकती, वैसे ही परफेक्ट प्लास्टिसिटी भी नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन नियरली प्लास्टिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, पुट्टी हो सकती है, मड हो सकता है, ये कैसे हैं, नियरली प्लास्टिक हैं, ठीक है। इनको अगर आप कोई शेप दे देंगे, इनके कॉन्फिगरेशन में चेंज कर देंगे, तो ये अपनी इनिशियल कॉन्फिगरेशन को रीगेन करने की कोशिश नहीं करते, करते हैं बहुत वेरी लेस अमाउंट में, ठीक है। तो ये क्या है, नियरली प्लास्टिक मटेरियल, नियरली परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल है। तो प्लास्टिसिटी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है भाई, इलास्टिसिटी नहीं होगी बिल्कुल तो प्लास्टिसिटी होगी, और प्लास्टिसिटी जरा सी भी नहीं होगी तो फिर क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। तो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी
डज नॉट रिगेन इट्स इनिशियल कॉन्फिगरेशन। After removal of deforming force, ठीक है भाई। तो इसी में परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल की बात कर सकते हैं, बोल रहा हूं मैं कि भाई जो बिल्कुल भी ना करे रीगेन, है ना, जरा सा भी 10% भी वापस नहीं जाए अपनी इनिशियल पोजीशन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, पुट्टी हो सकती है, मड़ हो सकती है, अच्छा पैराफिन वैक्स हो सकता है, है ना, पैराफिन वैक्स में भी कोई आप शेप दे देंगे तो वो अपनी क्या करेगी, उसी शेप को मेंटेन करेगी, ठीक है भाई। तो हमने जो स्प्रिंग बॉल मॉडल पढ़ा, उसी स्प्रिंग बॉल मॉडल से अपन इस इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन स्प्रिंग बॉल मॉडल में कह रहे थे कि भाई स्प्रिंग लगी हुई है, बॉल है, ठीक है, बॉल क्या है, एटम है, उस एटम को अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन डिफॉर्म कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉर्म करने से क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो क्या हो रहा है कि वो जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। भाई छोड़ दिया अपन ने उसको डिफॉर्म कर दिया तो अपन उसको खींच रहे हैं। स्प्रिंग के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, मतलब इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, जिससे उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो इसी तरह सॉलिड्स में होता है भाई, जो इंटरएटॉमिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उनको आप क्या करोगे, बॉन्ड की तरह है वो, है ना, तो आप उस ऑब्जेक्ट को जब डीफॉर्म करोगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी के अंदर जनरेट होगा, ठीक है, उन बॉन्ड्स के बीच में जनरेट होगा, जैसे स्प्रिंग वॉल मॉडल में स्प्रिंग्स के अंदर जनरेट हो रहा है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स ही क्या करता है, डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर उसको इसकी इनिशियल पोजीशन में लेके जाता है। दैट मीन्स इस इलास्टिसिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, तो रेस्पॉन्सिबल रीजन है वो क्या है, वहां लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो क्या करे, ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजिशन में रीस्टोर करे, उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स लगा, अच्छा ये तो बॉडी लगाती है रीस्टोरिंग फोर्स, तो ठीक है, और डीफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है। अब मान लो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, मतलब आपने उसको डीफॉर्म किया, बॉडी ने वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को कम्प्लीटली रीगेन कर लिया, मतलब जितना फोर्स आपने लगाया था उतना ही बॉडी ने वापस लगा लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ आइडियल कंडीशन में, तो ये डीफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स कैसे हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में जब मैं बात कर रहा हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक अपनी बॉडी है, तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डीफॉर्मिंग फोर्स, तो अपन थ्योरी में तो वही लेके चलते हैं, ठीक है, आइडियल कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग अपन अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस, ठीक है। अब आपने डी फॉर्मिंग फोर्स लगा लिया या रीस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे लग गया, ठीक है, तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा किस पे लगा, बॉडी पे लगा। फॉर एग्जांपल ये कोई रॉड थी, है ना, जिसकी लेंथ एल थी, आपने इसको क्या किया, डी फॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचा, इसका ये वाला जो एंड है ये रिजिड है, कहीं लगा हुआ है, ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगा लिया F, ठीक है, तो फोर्स लगा दिया तो ये जो बॉडी है ये डीफॉर्म हो गई, लेट इसकी लेंथ में ये चेंज आ गया डेल्टा L, ये L था पहले, ठीक है। तो क्या करेगी ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, इसका जो हर एक भाई यहाँ जो एटम है, यहाँ जो एटम है और यहाँ जो एटम है, तो ये एटम के बीच में ये बॉन्डिंग है स्प्रिंग बॉल मॉडल के अकॉर्डिंग, लेट स्प्रिंग जैसी बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग हो रही है तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास आना चाहेंगे, क्यों, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करना चाहेंगे, तो रीस्टोर करना चाहेंगे तो इस पूरे एरिया पे क्या लगेगा, इधर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लगेगा ना भाई, ये पूरी यहाँ
इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और ने इसको खींच लिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे क्या लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये पूरा एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एरिया पीछे वाला इसको क्या करेगा? रिस्टोर करने के लिए पीछे खींचेगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, इस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन बोलते हैं क्या? स्ट्रेस, ठीक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डीफॉर्मिंग फोर्स, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज व्हाट? इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। कहाँ लगेगा? ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है भाई। अब स्ट्रेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट की अगर बात करूँ, तो फोर्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं, ये यूनिट हो सकती है, ठीक है। सीजीएस की बात करूँ, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट, ठीक है भाई। अच्छा, प्रेशर भी पढ़ाया अपन ने, प्रेशर की भी यही डेफिनेशन थी, ठीक है। स्ट्रेस से मिलता जुलता ही है, बाद में बात करेंगे लेकिन उसके ऊपर, ठीक है, जब फ्लूड्स की बात अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो इसका टाइप है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस? देखो, थ्री टाइप्स का है स्ट्रेस। एक नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है। वन इज दैट्स थ्री टाइप्स, एक दो नॉर्मल स्ट्रेस है, एक अपना शीयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस है, और थर्ड जो है अपना वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है भाई। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं मैं सबसे पहले, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? देखो, नॉर्मल स्ट्रेस जो अप्लाई होगा वो तब अप्लाई होगा जब आप उसकी लेंथ में चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। कब अप्लाई होता है? व्हेन चेंज इन लेंथ अकर्स, ठीक है। अब लेंथ में कैसे चेंज करेंगे? ये अपना ऑब्जेक्ट, लेट एक रॉड है, जो भी एग्जांपल लिया, रिजिड सपोर्ट पर है, ठीक है। इधर फोर्स लगा दिया, एल लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? बाहर की साइड लगाया, अच्छा फोर्स का लगाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसे लगाएंगे? नॉर्मल, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल लगा रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। बाहर लगाया, ठीक है, बाहर लगाया तो लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वापस खींचेगा अपने को, डेल्टा एल चेंज हो जाएगा लेंथ के अंदर, ठीक है। या फिर फोर्स की डायरेक्शन मान लो, अगर अंदर की साइड है, ठीक है, ये अंदर की साइड है, तो क्या होगा? तो लेंथ रिड्यूस हो जाएगी इधर, डेल्टा एल। तो दोनों टाइप का हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, और लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो मतलब है तो फोर्स ही, किस पे लगाया? पर यूनिट एरिया पे। तो पर यूनिट एरिया पे नॉर्मली जो अपन ने फोर्स लगाया लेंथ को चेंज करने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। जनरल डेफिनेशन तो वही रहेगी, ठीक है, यूनिट भी वही रहेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है अपन को कि कहाँ लगाया? लेंथ को चेंज करने के लिए लगाया, ठीक है। अब दो टाइप का हो सकता है कि अगर मान लो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन टेंसाइल स्ट्रेस। टेंशन जनरेट होगी, अपन जानते ना किसी चीज़ को अपन खींचते हैं तो क्या जनरेट होती है उसके अंदर? टेंशन जनरेट होती है, पढ़ चुके अपन पहले एनएलएम में भी, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंशन जनरेट की, कैसे की? खींचा उसको, ठीक है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होती है देन
फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इस कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। अब कंप्रेस अगर अपन कर रहे हैं तो फिर वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा भाई। कब कंप्रेस किया, कंप्रेस किया मतलब कंप्रेस करने के लिए स्ट्रेस लगाया, कंप्रेस करने के लिए लगाया मतलब लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, देन द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों टाइप की हो सकती है, इंक्रीज हुई तो टेंसाइल, डिक्रीज हुई तो कंप्रेसिव। दूसरे टाइप की स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, ये है तो रीस्टोरिंग फोर्स ही, पर यूनिट एरिया का है, ठीक है। मतलब अपन जो बॉडी अपने को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगा रही है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज वॉट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो डेफिनेशन बेसिक तो वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन कहाँ लगाया, टेंजेंट पे लगाया। अच्छा, टेंजेंट पे लगाएंगे तो नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए तो फिर कहाँ चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए चेंज शेप के अंदर, कहाँ होना चाहिए, शेप के अंदर। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर अपन टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, ठीक है, दिस इज व्हाट टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन कैसा फोर्स लगा रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगाऊंगा, अच्छा उसे वॉल्यूम चेंज होना चाहिए ओनली, क्या चेंज होनी चाहिए, क्या चेंज होनी चाहिए, शेप चेंज होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये रखी हुई है नीचे से रिजिड सपोर्ट पे है, बेस पे रखी हुई है। अब इस पे मैं ये इसका टेंजेंट, इस टेंजेंट में मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, देखो ऐसे फोर्स लगा दिया, क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, क्या हो रही है, देखो अभी ऐसे है, शेप चेंज हो गई। कैसे शेप चेंज हो गई, ये नीचे वाला जो बेस है ना वो तो वहीं रहा है ना, लेकिन ऊपर वाला प्लेन कहाँ चला गया, देखो आगे चला गया, तो साइज चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन क्या चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स मैंने लगाया डीफॉर्मिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कैसा लगेगा, टेंजेंशियल, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम में चेंज ना करके ओनली शेप में चेंज करो, ठीक है, और टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो वहाँ जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को अपन बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। थर्ड वाले की अगर बात करूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अच्छा इस टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर डायग्राम भी बना सकते हैं चाहे तो आप। ये मैंने क्या ली थी, क्यूबिकल बॉडी ली थी ना, क्यूबॉइड थी, ठीक है, ये मेन अपनी बॉडी थी। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया कि एक फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स जब मैंने लगाया F, तो इससे क्या हो गया, ये डीफॉर्म हो गई, ठीक है, ऐसे डीफॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ आ गए डीफॉर्म हो गए, ठीक है भाई। तो किसी ना किसी एंगल थीटा से दोनों प्लेन क्या हो गए, ऊपर वाला प्लेन जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू लोअर प्लेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करूं तो शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बट नो चेंज इन शेप। तो उसके लिए क्या करें, मान लो ये एक बॉल है मेरे पास, स्फेरिकल है, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज करना है तो सब साइड से सरफेस के नॉर्मल क्या लगा दूं, फोर्स लगा दो, ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हुआ तो ये वापस क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अपन ने एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, उससे चेंज किस में हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, ठीक है। तो इसने जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूम में चेंज किया तो क्या जनरेट हुआ, इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो ये अपने थ्री टाइप के क्या हो गए, स्ट्रेस हो गए, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब स्ट्रेस लगाया तो शेप में चेंज हुआ, साइज में चेंज हुआ, तो ये जो चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।